क्या एक दिन में 15 घंटे की स्टडी की जा सकती है? द आंसर इज येस, डेफिनेटली करी जा सकती है, क्योंकि आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसने 15 घंटे की स्टडी करके ही अपना सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर किया है। आपको पता होगा कि मैंने सिर्फ 2 महीने अपना सीए फाइनल का ग्रुप 2 पढ़ा था, और डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डाल भी रखा है, इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 2 मंथ्स आई क्लियर माई सीए फाइनल ग्रुप 2 विदाउट एनी प्रिपरेशन अर्लियर एंड विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग क्लासेस। पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने उन 2 महीनों में कितनी देर पढ़ाई करी थी। तो पहली बात तो ये कि मैंने स्टार्ट करा था 8 घंटे से, फिर धीरे धीरे मैंने रेस करा उसको 10 घंटे 12 घंटे, और एंड के दिनों में मैं ले गया 15 घंटे तक। अब आप पूछेंगे 15 घंटे का स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे हमारा माइंड भी ड्रेन ना हो और 15 घंटे इफेक्टिवली हम स्टडी कर पाएँ। तो यस, लिसन टू मी केयरफुली, मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ जाता था और जल्दी उठकर जो है पहले 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करता था, 6 से 8 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करता था, और उसके बाद जो है मैं फ़्रेश होकर जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है वो करता था। उसमें मुझे आधा घंटा लगता था, करीब करीब 8:30 से 10:30 बजे तक फिर मैं 2 घंटा पढ़ता था, फिर मैं ब्रेक लेता था आधे घंटे का नहाने के लिए। तो नहाए, फ्रेश हो गए, दोबारा से क्या हो गया वो रिफ़्रेशमेंट हो गई, 4 घंटे की स्टडी हो गई और 11 बज गए। अब 11 बजे से लेकर मैं पढ़ता था 1 बजे तक 1:30 बजे तक 2 से 2.5 घंटे, और बीच में जो है 15 मिनट का ब्रेक लेता था, उससे मेरी करीब करीब 2 घंटे की और स्टडी हो जाती थी। तो करीब करीब आप कह सकते हैं मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, और अभी दोपहर हुई है जिसमें मैंने फिर ब्रेक लिया खाना खाने के लिए। खाना खाकर मैं वापस आया और 2 बजे मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, 2 से 3 मैंने चीज़ें पढ़ी, और फिर एक पावर नैप लिया, आधा घंटे का पावर नैप लिया 3 से 3:30 बजे तक। तो अभी मेरी कुल मिलाकर स्टडी हो गई है 7 घंटे की, 7 घंटे की स्टडी हो चुकी है, 8 घंटे करना बाकी है। शाम के जो है 3:30 बज चुके हैं, 2 से 3 पढ़ा, आधे घंटे का पावर नैप लिया, 3:30 हो गए, 7 घंटे की स्टडी हो गई, करीब करीब 8 घंटे की बाकी है। अब ये 3:30 बजे से अब मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था शाम को 5:30 से 6 बजे तक, यानी करीब करीब 2.5 घंटा खींच लेता था। स्टडी मेरी हो जाती करीब करीब 9:30 घंटे की या 10 घंटे की, और फिर मैं फिर आधे घंटे का ब्रेक लेता था, और ब्रेक लेने के बाद कुछ खाना वाना खाना है शाम को वो खाया, छत पे जो है 5-10 मिनट टहल लिया, एक गाना सुन लिया, और फिर वापस से मैंने ट्रैक पर आ गया। एंड देन जो बाकी का बैलेंस होता था 5-6 घंटे का, वो भी मैं 2 पार्ट्स में शेड्यूल करता था, एक आपका 6:30 बजे से 8:30 तक, फिर रात का जो खाने का टाइम होगा वो खाने के बाद फिर रात को 2 घंटे और। तो ऐसे कर जो है वो मेरा करीब करीब शेड्यूल बनता था, और 14-15 घंटे इफेक्टिवली निकल जाते थे। 11 बजे के करीब मैं सो जाता था, तो 11 बजे आप कह सकते हो मैं सोया, सुबह 6 बजे से पहले मैं उठकर 6 बजे पढ़ने लग गया, इसका मतलब मेरी 6-7 घंटे की स्लीप हो गई। तो 24 में से 7 घंटे माइनस कर लीजिए तो आपका करीब करीब आता है 17 घंटे, और 2 घंटे के बीच में ब्रेक्स हो गए। तो ऐसे जो है 15 घंटे 14.5 घंटे की मेरी पढ़ाई इफेक्टिवली होती थी, और माइंड पर जो है ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता था। छोटे छोटे टारगेट्स बनाता था 2-2 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, उसको अचीव करता था, 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर रिज्यूम करता था। और ऐसे कर जो है मैंने आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी, और उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है कि मैं सीए बन गया। सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई में सीए फाइनल ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, 1 भी रुपया काटा नहीं है सीए फाइनल के लिए, 1 भी कोचिंग में 1 भी रुपया नहीं काटा है, और ग्रुप 2 में तो कोई वीडियो भी नहीं देखा है यूट्यूब पे, कोई वीडियो नहीं, उस टाइम नहीं होते थे, सिर्फ बुक लाया, पढ़ाई करी और कर दिखा दिया, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड इफ़ यू हियर माई मार्क्स देन यू विल बी लाइक ओह यू आर सो लकी, आई स्कोर 200 मार्क्स, दैट वर जस्ट द पासिंग मार्क्स, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी दैट आई ओनली स्टडीड फॉर जस्ट 2 मंथ्स। तो 2 महीने पढ़ के 200 नंबर लाने पॉसिबल हैं, और मैंने उसे कर दिखाया है। कैसे करा मैंने थोड़ा सा गाइड करा, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोज़ ला सकूँ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।